श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आप सद्बुद्धि लो और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं जैसा पक्का करने का सवाल है, बगैर देर करे एक किसी कलम से आप सबको पक्का करो, वरना आने वाले समय में आपको कच्चा जरूर होना पड़ेगा, जनता आपको कच्चा जरूर करेगी। तो राम राम जी, सारे छोटे मोटे बाण भाई का नारियो देख लो भाई, शोषण और बेगार के खिलाफ स्थाई रोजगार एवं 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर राज्य व्यापी हड़ताल। इब हम फिलहाल भाई लखन मात्रा ये सफाई कर्मचारी विभाग यो जुलूस काट रहा है, थोड़े न्यून हो लिए भाई, थोड़े न्यून हो लिए, तो ये जुलूस काट लाग रहे हैं, इनते के मांग है इनकी सरकार ते के नहीं वो बात करेंगे एक बार। तो जी एक बार सर, तो पहले राम राम जी क्या कर जुलूस काट रहे हो जी? जुलूस है जी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का, किस बेस पे लेगा की क्या मांग है आप लोगों की? 17 साल से कर्मचारी गाँव में साफ सफाई का काम करते हैं, मगर महंगाई के अनुसार ना तो तनखा है और 17 साल हो गए अभी तक पक्के की कोई कार्रवाई नहीं है। आज प्रमुख मांग ये है कि तमाम ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। यो मनरेगा के तहत है, क्यों कर गए यो? नहीं, ये मनरेगा का नहीं है, सरकार का है, ये बिल्कुल साफ सफाई का जो कार्यक्रम है ये मनरेगा एक प्रकार से सर, हमें सीडी वगैरह ये कह दिया उसमें। जी 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 जी। तो ये आपने मतलब 17 साल कच्चे पे काम करते हो? हाँ, कच्चे पे। फिलहाल वेतन के चल रहा है अपना? वैसे फिलहाल वेतन है 14,000 रुपए ईपीएफ समेत। अच्छा, ये वेतन बढ़वाने की मांग हो रही है? इस पर वेतन बढ़वाना है 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन, और सबसे बड़ी मांग है पक्का हो, नियमित कर्मचारी का दर्जा मिले, जैसे उत्तर प्रदेश में नियमित कर्मचारी का दर्जा है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को, उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए। फिर भी तो धीरे धीरे सरकार हर एक चीज का निजीकरण करके वैसे भी ठेके देना रही है, मतलब सरकारी काम तो छोड़ा ही नहीं वैसे भी, ठेकों को तोड़ के ठेकों से भी बड़ा मुश्किल काम कर रही है हरियाणा की सरकार, जिसका हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन की ओर से CI2 की ओर से उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो कौशल रोजगार निगम की अफवाह चला रखी है, कौशल रोजगार निगम को हम भंग करवाना चाहते हैं, ऐसी कार्रवाई नहीं है, हमें सीधे तौर पे नियमित किया जाए, पक्का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। फिलहाल भाई हम लखन माजरे में है और ये जुलूस गुरुद्वारे से शुरू हो रहा है, तो कहाँ पे जाओगे जी? कहाँ पे जाने की संभावना है? ब्लॉक में जाएंगे जी, ब्लॉक ऑफिस पे। ब्लॉक ऑफिस में जाके हड़ताल है, धरना है, कैसे क्या होगा प्रोग्राम? ऑफिस में जाके आज हमारी यूनियन का फैसला है कि हरियाणा सरकार का जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उसका पुतले का दहन करेंगे, क्योंकि लगातार हम 6 महीने से तो अब लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमारी बातचीत की सुनवाई नहीं हो रही, मंत्री से थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, सारे काम अटके पड़े हैं, मुख्यमंत्री दाबे बैठा है, इसलिए मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। और मुख्यमंत्री का पुतला साथ में ले रहे हो जी? साथ में जी, दिखाओगे जरा? हाँ देखो जी, दिखाइयो भाई, मुख्यमंत्री का पुतला भी साथ में ले रहे हैं ये, और ये यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर का पुतला बनाया गया है, जो कि वहां पर ब्लॉक में जा गए, इसको जला गए और इसका प्रदर्शन अपना रोज प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो ये सफाई कर्मचारी विभाग है और ये सारे के सारे, और ये फिर आपने क्या लगा है सरकार दबाव में आ जाएगी इन बातों पे? बिल्कुल जी, हमने सरकार को पहले भी झुकाया है अपनी मांगों को, क्योंकि हमारी मांग जायज है, हमारा आंदोलन जायज है, हमारी मांग जायज है, हमारी मांगों को लेकर जनता का जो अलग अलग हिस्सा है वो हमारे समर्थन में आएगा, हमारा सहयोग करेगा, इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा और मांग पूरी करनी पड़ेगी। चलिए जी ठीक है, और ये रोज प्रदर्शन जो दिखाया गया है आप लोगों को, अब ये यहाँ से जाएगा ब्लॉक में और वहां पर जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुतले का दहन किया जाएगा, कार्यालय तहसील लखन माजरा, और उसके सामने गेट पकड़े होकर रोज प्रदर्शन कर रही है, तो अब ये कहाँ पर पुतले का दहन करेंगे, कैसे करेंगे, ये पूरा कार्यालय उप कार्यालय है लखन माजरा तहसील का, देख लियो, शोषण और बेरोजगार के खिलाफ स्थायी रोजगार एवं 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर राज्य व्यापी हड़ताल 10 अक्टूबर से सफाई ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन
हरियाणा जिला कमेटी रोहतक, यानी कि ये जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं उनकी तरफ से ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और इनकी मांग की है 17 साल से हमें कच्चे पद पर रखा जा रहा है, उनको पक्का किया जाए और वेतन बढ़ाया जाए। तो ये इसीलिए रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन जो है वो अब मनोहर लाल खट्टर का जो ये पुतला लेकर आए हैं उनका दहन करके अपना रोष प्रदर्शन खट्टर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन दिखाना चाह रहे हैं। और ये खट्टर का जो पुतला जैसे खड़ा किया गया है और यहाँ पे ये इसका दहन किया जाएगा, ये इधर दिखा दिया भाई जरा, कार्यालय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी लखन माजरा रोहतक, यानी कि जो जो लखन माजरा का कार्यालय है उसके सामने ही ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। लखन माजरा ब्लॉक के प्रधान है साथी जगमेंद्र, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो आगे बढ़े और मुख्यमंत्री खट्टर का पुतले का दहन करें। साथी जगमेंद्र खरक, तो ये जो ब्लॉक के प्रधान है जगमेंद्र खरक, ये पुतले का दहन शुरू कर रहे हैं। अब ये आपको लाइव तस्वीरों में दिख रहा होगा, सामने से हट जाओ भाई जरा, सामने से हट जाओ जरा, ये आपको लाइव तस्वीरों में दिख रहा होगा पुतले का दहन करते हुए। लखन माजरा की उपमंडल तहसील है, उसके सामने गेट के बिल्कुल सामने ही मनोहर लाल खट्टर के पुतले का दहन कर अपना रोष प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन इनके प्रति दिखाने जा रहे हैं। तो ये आप लोगों को लाइव तस्वीरों में दिख रहा है। जो भी है बातें हैं ये आपकी इन तक पहुंच चुकी है कि हमें 17 साल से जो कच्चे पर रखा गया वो हमें पक्का किया जाए और हमारा 26,000 वेतन किया जाए, अन्यथा आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वोटों का काल भी देखने को मिल सकता है, ऐसा इन्होंने अपनी बातों में एक सामने लाने की कोशिश की है, संदेश देने की कोशिश की है। तो देखिए अब दहन शुरू हो चुका है। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, जिस तरह से यहाँ पे खट्टर सरकार का मनोहर लाल खट्टर का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है जो हरियाणा सफाई कर्मचारी यूनियन के लोगों ने। तो अब आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे। दिनेश गलावत के साथ जय हिंद।